अगली खबर रीवा जिले के बैकुंठपुर क्षेत्र से आ रही है, जहां शासकीय बालक उच्चतर माध्यमिक विद्यालय द्वारा नशा मुक्ति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें रचना द्विवेदी ने बताया कि देश का भविष्य युवाओं को माना जाता है, इसलिए देश की प्रगति के लिए युवाओं का सही कदम पर चलना बहुत ही जरूरी होता है। देश के संचालन में आज की युवा का विशेष योगदान होने वाला है। पिछले कुछ सालों से नशा लोगों को अपना आदि बना रहा है। लोग नशेड़ी बनकर अपना तथा अपनों का भविष्य बर्बाद करने को तुले हुए हैं, इसलिए हमें नशे से मुक्ति के लिए प्रयास करने की आवश्यकता है। आज की युवा गुटखा, बीड़ी, सिगरेट और शराब पीकर खुद को शाही जीवन देने का प्रयास करती है, पर नशे से जीवन में सुधार नहीं किया जा सकता है। नशा जीवन की बर्बादी का सबसे बड़ा माध्यम है। लोगों में शिक्षा का अभाव होने के कारण लोग अपनी भलाई को नहीं समझ पा रहे हैं, इसलिए इस समय हमें नशा मुक्ति योजना के माध्यम से सभी को नशे से होने वाले नुकसान से अवगत करवा कर नशा छुड़वाने का प्रयास करना चाहिए। हमारे देश के युवा अपना आदर्श भगत सिंह या गांधी को न मानकर फिल्मी हीरो को मानते हैं, जो फिल्म इंडस्ट्री में काम करते हैं, पर आज के युवाओं के हीरो युवाओं का ही जीवन बर्बाद कर रहे हैं। बड़े बड़े अभिनेता अपने स्वार्थ के लिए तथा कंपनियों से मिल रहे पैसों के लिए नशों का प्रसार करते हैं। आज फिल्म इंडस्ट्री में बड़े नाम शाहरुख खान, सलमान और अक्षय कुमार जैसे बड़े अभिनेता गुटखे का विज्ञापन करते नजर आते हैं। आज के विज्ञापनों से बचाकर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित बनाना होगा, क्योंकि आज के युवाओं के हीरो खुद लोगों के भविष्य के साथ पैसों के लिए खिलवाड़ कर रहे हैं तथा खुद कुछ पैसे लेकर विज्ञापन करते हैं। एक हाँ पूछे, आज ये जन जागरूकता कार्यक्रम बैकुंठपुर के स्कूल में आप कर रही हैं, क्या उसका मुख्य उद्देश्य है? मेरा उद्देश्य ये है कि हमारे बच्चे भारत के उज्जवल भविष्य हैं, हमारे समाज को उज्जवल भविष्य हैं, तो हमारा समाज उज्जवल बनना चाहिए। हमारे देश में नशा मुक्ति, हमारी सरकारें कोई भी हो, हर जगह नशे को दुकानें खुलवा कर लोगों को नशे की लत में लाकर देश को नशेड़ी बनाकर हमारे समाज को दूषित कर अपना फ़ायदा देख रही है। इसे बंद करना चाहिए, मैं ये चाहती हूँ। और हमारी बहनें, माताएं जो भी हैं, असुरक्षित हैं। कौन सुरक्षित है बताएं आप? लड़की अभी आप देख रहे हैं, अभी अभी हुआ है, 35 टुकड़ों में काटा गया है श्रद्धा का सब। तो हमारी सरकार तो केवल कहती है कि बेटियों के लिए ये योजनाएं सब कुछ, कहाँ है सुरक्षित हमारी बेटियाँ? उनको उनका अधिकार मिले, महिलाएं सुरक्षित हों। स्वतंत्रता कहने के लिए तो बहुत पहले हर नागरिक स्वतंत्र है हमारे भारत देश में, पर महिलाओं के लिए स्वतंत्रता अभी भी नहीं है। क्यों नहीं है? जो पुरुष समाज के है वही करना है, यही स्वतंत्रता है महिलाओं के लिए। हाँ, तो हम चाहते हैं कि हमारे भारत सरकार में हमारे भाई बहन जो भी हैं तो नशा मुक्त हमारा देश बने, महिलाओं का अधिकार मिले, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। और हमारे भारत अच्छे संस्कार, बच्चों में अच्छे संस्कार हों, तो इसी यही मैं चाहती हूँ, इसी के लिए मैं ये करूँ। कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप इस प्रकार के कार्यक्रम करें और कब से कर रही हैं? मैं दो वर्ष हो गए होंगे जब से मैं कर रही हूँ। तो हाँ, प्रेरणा अपने समाज को देख के मिलती है कि हमारी समाज कैसी है, हमारे समाज में क्या हो रहा है। हाँ, समाज को देखते हुए प्रेरणा मुझे मिली तो मैं कर रही हूँ। कि किसी भी प्रकार का उत्पीड़न ना हो सके, इसके लिए सबसे जो अहम बात है वो है शिक्षा। आपको शिक्षित होकर ही मजबूत हो सकती है। पढ़ना पड़ेगा, और जैसा कि हमारे जेवी साहब ने कहा है कि 16 घंटे जो पढ़ेगा, अभी किसी भी बच्चे ने हाथ नहीं उठाया था, 2-4 बच्चे हाथ उठाए, और जब साहब ने कहा कि मैं आपके घर आऊंगा तो वो भी नीचे कर लिए हाथ। तो मैं ये कहता हूँ कि अगर बच्चे पढ़ते हैं 16 घंटे, और जो 16 घंटे बच्चा पढ़ेगा वो क्लास 1 ऑफिसर निश्चित बनेगा, या क्लास 1 का नेता बनेगा, या अच्छा समाज सेवी बनेगा, जो सब उसका क्लास 1 ही होगा। इसलिए बच्चे ऐसा प्रयास करें कि ग्रामीण अंचल में भी रह करके सुविधाएं भले कम हों,
लेकिन पढ़ने का प्रयास करें। फिर साहब ने पूछा 8 घंटे कौन पढ़ता है। बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है ये, आपके जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपको कैसे जो बुराइयां हैं, जो कमियां हैं, खासकर ये हमारा देश है, भारत हमारा देश है, भारत माता की, भारत हमारा देश है, और भारत में रहकर हमें भारत के को ऊंचा उठाने के लिए बहुत काम करने हैं। आपने जो प्रार्थना आपके यहाँ होती है वो शक्ति हमें दो, दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पूरी आप लोग रोज सुनते हैं, उसका आप अर्थ समझिए कि आपके चरित्र के लिए वो प्रार्थना कितनी आवश्यक है। हम लोगों ने भी वो प्रार्थना की है और उस में आपके चरित्र के बारे में बहुत सारी बातें हैं। संयम रखना पड़ेगा, मेहनत करना पड़ेगा, नशा से दूर रहना पड़ेगा, बुराई से दूर रहना पड़ेगा, और आपसी सामंजस्य रखना पड़ेगा, आपसी समन्वय रखना पड़ेगा, आत्मनियंत्रण रखना पड़ेगा, संयम रखना पड़ेगा। मैं एक और नई चीज पूछना चाह रहा हूँ आप लोगों से, आप में से कितने लोग प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ते हैं? आप में से कितने लोग प्रतिदिन 8 घंटे पढ़ते हैं?